हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो एक्चुअली ये मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा था, तो मुझे हमेशा से मन था कि एक बार मैं ट्राई ज़रूर करूँ। तो ये है प्रशुमा सिंस 1985, अगर मैं कुछ गलत बोल देगा तो सॉरी। ये है मोमोज और ये है चिकन मोमोज, ओरिजिनल चिकन जूसी फीलिंग मोमोज सॉसेस इनसाइड प्रिजर्वेटिव फ्री, 10 पीसेस है और रेडी इन 3 मिनट्स। तो फटाफट इसको देखेंगे कि कैसे इसे कुक कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। ये फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, तो इजी कुक है। आप या तो आप स्टीम कर सकते हैं, या तो पैन फ्राई कर सकते हैं, या तो डीप फ्राई कर सकते हैं, या तो एयर फ्राई कर सकते हैं। तो हम करेंगे इसे डीप फ्राई, तो मुझे डीप फ्राई ज़्यादा पसंद है। और इसमें 10 क्वान्टिटी है और आपको 195 रुपीज की है और ये 23 तक चलेगी। तो और इसको फ्रीजर में करना है -20 डिग्री सेल्सियस। तो फटाफट इसे ओपन करते हैं और तैयारी करते हैं गरम तेल की। तो ये रहा रिफाइंड ऑयल में मैं इसको गरम कर रही हूँ। और अब इसमें थोड़े से पकौड़े बने थे सुबह के टाइम में, तो इसको ही मैं यूज़ करूँगी, मैंने निकाला नहीं है। तो उसको डीप फ्राई करके देखते हैं कितना अच्छा बनता है। तो थोड़ा गर्म होगा अच्छे से तेल, फिर जाके करेंगे। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इसमें ये रहा सॉस है, ये तो ये ओरिजिनल सॉस 100%। टेस्ट कैसा लगे सब कुछ बताऊंगी, रियल रिव्यू दूंगी, बिकॉज बहुत सारे रिव्यूज़ आपने देखे होंगे और ये ओरिजिनल है। तो आप उसको इसमें आपको मिला है आई थिंक 2 सॉस। हाँ, तो फटाफट डीप फ्राई करने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है गर्म हो गया है। तो देखते हैं कैसा होता है ये। तो एक को निकालती हूँ मैं, और साइज़ की बात करूँ तो साइज़ बहुत डिसेंट, इतना ही साइज़ आपको बाहर भी मिलेगा। और बाहर के कंपैरिजन कितना, मतलब कितना कॉस्टली नहीं है इतना मुझे याद नहीं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ले आते हैं, तो मैं बहुत दिन के बाद में चिकन वाला खा रही हूँ, मतलब बनाया है, तो मुझे पता भी नहीं है। तो 195 फॉर 10, आई डोंट थिंक सो कि ये सस्ता है, थोड़ा महंगा ही लग रहा है मुझे। तो फटाफट डीप फ्राई करते हैं, फिर देखते हैं कैसा बन रहा है। सो कुछ इस तरीके से बना है। मैंने अभी गैस को थोड़ा सा फुल कर दिया है और मैं हाफ पे करी, बिकॉज अगर फुल पे करना ना पता चले कहीं जल ना जाए, तो इस वजह से मैंने इसको अभी थोड़ा सा शायद गर्म नहीं होता अच्छे से ये। तो ये रहा देख सकते हैं, बहुत दिन के बाद मैं कुछ खाने वाला रिव्यू करी। तो एक्चुअली आप स्टीम भी खा सकते हैं इसको, और इस तरीके से भी खा सकते हैं, टोटली अप टू यू, या आपके ऊपर पूरा मन पे है। तो उसको थोड़ा होने देती हूँ फिर दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं दो को ही अभी ट्राई करूँगी, मुझे पता नहीं कि कैसा टेस्ट होगा। दो को ही ट्राई करूँगी, मेरी बेबी ने सीधे मना कर दिया और अभी मैं घर पे अकेली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ दो को ही ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ कैसा हो रहा है। और मेरे को थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली ना मैंने इसे फ्राई किया और ये फट भी गया, और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हुआ है। स्टिल फ्राई के बाद भी ऐसा लग रहा है कच्चा है। शायद मैं डबल फ्राई करके देखूंगी, तब इसे फेंक दूंगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कच्चे वाले खा पाऊंगी। सो फिर से फ्राई करते हैं, बिकॉज वो हो गया है अच्छे से गर्म, गैस देख सकते हैं ऐसा है। तो फ्राई करके देखते हैं। अभी ये पटने भी लग गया है, तो फर्स्ट स्टेप इसका कुछ ऐसा है और ये फट गया है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों फट रहा है, क्वालिटी वाइज ख़राब तो नहीं भेज दी इन लोगों ने। ये देख सकते हैं पहले से फटा फटा सा है। तो लास्ट ट्राई कर रहा था, बस मैं फेंकूँगी, मुझे नहीं लगता कि फिर मैं खा पाऊँगी। देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं कैसा है ये बिल्कुल, तो ये बहुत बुरी तरीके से फट रहा है और ये इस तरीके से बन के निकला है ये वाला। तो भाई मैं एक ही को ट्राई कर पाऊंगी। नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। गैस बंद कर देती हूँ यार, और ये कुछ ऐसा लग रहा है ये वाला। कैमरे में तब भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो भैया रियल लाइफ में बहुत ही कच्चे से लग रहा है ये वाला भी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, तो इसको मैं फेंक रही हूँ, ये रहा डस्टबिन। वैसे भी फेंकने वाला है तो ये फेंक रहा है, और ये बचा है। तो देखते हैं इसे ठंडा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ, टेस्ट करती हूँ, बताऊँगी कैसा बना है या नहीं। तो स्टेट फॉर दैट। सो गाइज, अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाहर मिलता है, बस यही कि इसमें ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया। दस इट्स सो यमी, सेम बाहर जैसा टेस्ट है, इट्स एक्चुअली यमी। तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर फटेगा तो वो अपनी खुद की जिम्मेदारी होगी। थैंक यू सो मच।
मैंने सारे के सारे बना दिए हैं और इस तरीके से। तो आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इसको तल रहे हों तो क्या करना है, आपको जो गैस का फ्लेम है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, गर्म होना चाहिए तेल, अदरवाइज ये नहीं बन पाएगा। और सॉस की बात करूँ तो सॉस ये थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा हल्का मीठा भी है। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, यू कैन ट्राई। सो आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच।